सभी दोस्तों को नमस्कार। हम बनाएंगे आज बरबट्टी आलू और टमाटर के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगा इसके। ये बनाते ये टमाटर, ये कढ़ाई में तेल डालते हुए तेल डल चुका है कढ़ाई में। ये थोड़ा पानी की वजह से छिटा उड़ रहा है। ये मसाले का डब्बा में से कुछ मसाले निकालेंगे, इसमें डालेंगे फिर तेल में। पहला ये थोड़ा नमक डाल दिया था कि छींटे कम हो जाए तेल के। ये फिर राई डाला गया। ये प्याज मिर्ची दोनों एक साथ डाल दिया गया। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे और ये धनिया पाउडर और ये दाल पिसा हुआ दाल, और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये लाल मिर्च स्वाद अनुसार, और ये है सब्जी आलू बरबट्टी का। जैसे आप देख रहे, थोड़ा आंच बढ़ाते हुए ताकि जल्दी पके। प्याज अब इसको हाथ से अच्छे से धो लेंगे इसको। अब इसको कढ़ाई में डालेंगे फिर धीरे धीरे करके। गया कढ़ाई में, बहुत ही बढ़िया पूरा सब्जी को कढ़ाई में डाल देंगे फिर इसको चम्मच से मिलाएंगे। लगभग सभी दाने आ चुके हैं इसमें। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पूरे को वेजिटेबल को अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मिक्स होता हुआ अच्छा मिक्स होने से क्या अच्छा सभी जगह से पक जाएगा, कहीं भी कच्चा नहीं रहेगा। पकने से इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसमें कुछ टमाटर डालेंगे कटा हुआ, पूरा टमाटर डाल दिया गया। अब इसको भी मिला लेंगे। क्या रंगीन दिख रहा है। अब इसको कम आंच में रख देंगे, ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए 15 से 10 मिनट छोड़ देंगे। धन्यवाद, उससे मिलते हैं अगले वीडियो में।